नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राम जन्मभूमि के 4 दशक लंबे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक चली लंबी सुनवाई पूरी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया, वहीं मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश ने दिल खोल कर स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तो पूरा देश जान ही चुका है, लेकिन आज हम आपको अयोध्या से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे हिंदुस्तान से अलग एक और देश है जहाँ के लोगों की रगों में अयोध्या का खून दौड़ रहा है, और ये देश है दक्षिण कोरिया। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे दक्षिण कोरिया के लोगों में है अयोध्या का खून। ये एक सच्ची कहानी है। दरअसल सैकड़ों साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी की शादी कोरियाई राजवंश में हुई थी। शादी के बाद वो वहां की महारानी हो गई। कहा जा सकता है कि इस वंश से जुड़े लाखों लोगों में अयोध्या का खून दौड़ रहा है। अयोध्या की इस रानी का नाम सूरी रत्ना था, लेकिन कोरिया में उन्हें हो ह्वांग के नाम से जाना जाता था। राजकुमारी को श्रद्धांजलि देने एक खास वंश के सैकड़ों कोरियाई नागरिक अयोध्या आते हैं। मान्यता है कि करीब 2000 साल पूर्व उनका विवाह कोरिया के गया राज्य के राजा किम सूरो से हुआ था। कैसे पति की तलाश में निकली सूरी रत्ना? बताया जाता है कि 16 साल की उम्र में सूरी रत्ना को एक सपना आया था कि उन्हें यहाँ पति नहीं मिलेगा, बल्कि समुद्र पार करने के बाद उन्हें अपना पति मिलेगा। इस सपने के बारे में सूरी रत्ना ने अपने घर वालों को बताया तो उन्हें भी इस पर यकीन हो गया, और घर वालों ने भाई के साथ सूरी रत्ना को पति की खोज में भेज दिया। साथ ही कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि ये सपना उनके पिता को आया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को समुद्र से बताई गई दिशा में जाने की व्यवस्था की। नाव से एक लंबी यात्रा कर समुद्र पार करने के बाद सूरी रत्ना दक्षिण कोरिया पहुंची थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूरी रत्ना दक्षिण कोरिया के किम हे राजवंश ग्योंगा सांगा प्रांत के राजा सूरो से मिली और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, और दोनों की शादी हो गई। कोरिया में आज उनके लाखों वंशज रहते हैं। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सूरो और अयोध्या की राजकुमारी के वंशज बताते हैं। इस पर यकीन रखने वाले लोगों की संख्या दक्षिण कोरिया की आबादी के 10वें हिस्से से भी ज्यादा है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम इसी वंश से आते थे। साथ ही इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को भी संभाल कर रखा है जिनके बारे में माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव को संतुलित रखने के लिए साथ लाई थी। किम हाए शहर में इस राजकुमारी की एक बड़ी प्रतिमा भी है। दक्षिण कोरिया में राजकुमारी की जो कब्र है उसके बारे में कहा जाता है कि इस पर लगा पत्थर अयोध्या से ही गया था। कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च के दौरान इस राजकुमारी की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आता रहा है। अयोध्या और कोरिया से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।